Search Ye Khilade on YouTube. Subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications. Enjoy. So guys, ये है मिथिलेश अंडे वाला जो कि तिलक नगर में लोकेटेड है. ये अपनी चिकन चीज़ ऑमलेट के लिए बहुत फेमस है. तो हम आज आपको चिकन चीज़ ऑमलेट मिथिलेश अंडे वाला का दिखाएंगे और फिर घर पे खुद बनाएंगे. तो अब आप जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये अंडा फेंट के डाल दिया है और इसके ऊपर दो ब्रेड इसके स्लाइसेस लगा दिए हैं और इसके पकने का वेट करें जिससे अंडा नीचे से पक जाए बिल्कुल. अब इसमें डाला चाट मसाला, काले मिर्च, लेमन जूस डाला है टेस्ट के लिए और ये डालिए दो कबाब के पीसेस. और अब आप देखना इसमें कितना ज़्यादा बटर डलेगा, कितना ज़्यादा बटर. ये तो ब्रेड एक तरफ से रोस्ट हो रही है, अब ये दूसरी तरफ से, और अब ये डाला मक्खन. ओह कितना ज़्यादा मक्खन. ये आप वंस इन अ ब्लू मून खा सकते हो, पर ट्रस्ट मी अगर आप हर रोज़ खाओगे तो ना ही आपके हेल्थ के लिए किसी वे में भी अच्छा नहीं है. और ये हमारा चिकन चीज़ ऑमलेट तैयार हो गया है अंदर से पूरा पका हुआ. तो चलिए अब इसे घर पे बनाते हैं. पहले हम लेंगे अंडे. अच्छा, क्योंकि आप ऑमलेट बना रहे हैं हमें अंडे लेने पड़ेंगे. अगर हम ऑमलेट बना रहे होते तो हम नहीं लेते. लेते लेकिन अगर ये गया एक अंडा. लुक जाओ, मैं बदल में खाता हूँ. एक वाइट कैसे निकालते हैं पकड़ो. मुझे नहीं खाना एग वाइट. मुझे खाना एग वाइट. मैं ऐसे ही बनाऊंगी जैसे मिथिलेश बनाता है. पहले तुम देखो. अरे थोड़ा हेल्दी भी रखना पड़ेगा ना हमें. तो भाई हो गया ना अंडा एग वाइट. ये ना इसको इसका, क्योंकि यार हर कोई योग पसंद नहीं करता तो इच्छा क्या है कि इसको आप ऐसे ही कर सकते हो. इससे आपको सबको पता है. हाँ बट अगर आपको नहीं पता बता दिया आपको. ये लो, अब तो फेंकना भी होता है पकड़ना. तो चलो मुझे अंडा पीला पसंद है. यार क्या कर रही हो. मुझे पीला पसंद है. जबरदस्ती फेंकने भी है. अरे इतनी मेहनत करना है. प्याज. प्याज दिखाते हैं फिर. ठीक है, कटा हुआ हमने रखा है. हमने पहले से काट लिया था प्याज. इस पे डाले प्याज. कितना प्याज काटा आपने? I don't know. मम्मी से पूछना पड़ेगा. मम्मी से. मम्मी ने काटा है. मुझे प्याज काटना पसंद नहीं है क्योंकि इससे आंसू आते हैं. बहुत बुरी तरह ऐसे याद आती है जब ये फेल हुई थी एक बार. पर क्या डाल रहे हम? अक्के डाला. अक्के डाला आपको पता नहीं इसे क्या बोलते हैं. नमक क्या है? कितना डाला ये तो बताओ. स्वाद अनुसार हाफ अ टेबल स्पून अराउंड नमक. हाफ अ टेबल स्पून अराउंड. ओह माय गॉड. थोड़ा धनिया डाल दो. आई हेट धनिया बट क्योंकि जब तक हम इसे फेंट रहे हैं हम बाहर टाइम अपना कबाब ब्रेड गरम कर लेते हैं. गैस ऑन. ये तो कबाब आ गए हमारे अच्छे से पक रहे हैं. अब क्या लिया हमने? थोड़े तेल में से हम तेल डाला. धीमी आंच पे पकाए ना आपके कबाब जल जाएंगे. आपके कबाब जल जाएंगे. कितना डबल मीनिंग है ये आदमी. कितना डबल मीनिंग है. मैंने नहीं बोला है तुमने बोला था. चलो चाने के लिए मिथिलेश के उसमें भी था
ब्रेड एक साइड से पकाइएगा, दोनों साइड से मत पूरी पकाना। क्यों? रीजन? वो मैं जब वीडियो बन रहा होगा तभी बताऊंगी, बट अभी मैं एक साइड से ठीक से पका रही हूँ। ठीक है, तो ब्रेड एक साइड से पका लेंगे। और ये हमारे कबाब भी रेडी हो ही चुके हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? कबाब रख दिए साइड में। अच्छा, ब्रेड हमारी पकने दो अभी थोड़ा। तो ये अंडे फाड़ेंगे। ठीक है, वाइट ब्राउन कोई भी ब्रेड आप यूज कर सकते हो। ये देखो, ग्लूटेन फ्री भी कर सकते हो। बढ़िया लग रही है। चलो, ब्रेड तो सिक रही है, मतलब ऐसे ऐसे सिकती है। ठीक है, देखो इसका कलर बदल गया है। ठीक है, हाँ मैं अंडे फेंट देती हूँ और तेल लगा रही हूँ हल्का सा, वरना ब्रेड बहुत सूखी लगेगी। हम ज़्यादा तेल का यूज़ कर नहीं रहे हैं, या जिसको मटर का यूज़ कर नहीं रहे हैं। जितना मिथिलेश करता है, मिथिलेश तो अलग ही लेवल में करता है। बाकी वो टेस्ट टू टेस्ट डिपेंड करता है, आप चाहे तो और भी कर सकते हो। और जितना झाग, इसको झाग बना रहे, झाग बनेगा इसका? नहीं, झाग नहीं बनता, उससे नहीं बनता। एक पैन केक नहीं बना रही हूँ मैं अभी। चलिए, एंगल अपना सीधा कर। दोनों फिट है तो सारा मिक्स नहीं हो जाता है। अच्छा, काली मिर्च भी डाल देते हैं। चलो अच्छे से उसको फैला लेना, भले ही आपका नॉनस्टिक पैन हो, बट क्योंकि अंडा चिपक जाएगा। मेक श्योर अंडा कच्चा रह जाएगा, सिर्फ इसलिए होता है। मैंने एक बार कम तेल में ट्राई किया था, अंडे का बिल्कुल टेस्ट नहीं आया, और वो चिपक भी जाता है पूरा, और पूरी पैन खराब हो जाता है पूरा। चलो अब अंडा डालें। और अंडा ये धीमी आंच पे ना, भी तेज करिए तक तेल गरम करने के लिए। हाँ, तेल गरम हो गया है, जो पास खड़ा होगा उसे देखेगा धुआं आना शुरू हो गया। कैमरा मैन खाएगा। चलो जी, वो खाए तैरने तो लग गया है पूरा सा खाना। ये सही जा रहा है। थोड़ी देर पकने दे। ठीक है, ब्रेड नहीं डाले वो मिथिलेश वाला, तो उस टाइम ब्रेड डाल देता हूँ। क्या होता है? डाल रही हूँ कैमरा भी साथ साथ संभालना पड़ता है। 128 कर दे। अच्छा, पकड़ा भले ही कैमरा मैंने है, बट इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिल रहे हैं। ऊपर का थोड़ा ग्रेवी दोनों साइड लगा लीजिए। ठीक है, और जिस साइड आपने कम पकाया है, क्या जिस साइड से आपने कम पकाया है, हाँ, साइड को ऐसे रख दीजिए। जिस साइड से ज्यादा पकाया है वो नीचे चला गया। ठीक है, जिस साइड से कम है वो ऊपर। ओके, अब पकेगा, वेट करें। अब से पकने दो। अब ये, और ये चिपक जाएगी, इससे क्या होगा, अब ये ब्रेड इस पे, अब ये जो ब्रेड है यहाँ चिपक जाएगी। अच्छा, आगे वाला रिस्की काम, जिस पलटा ना। यस, शाबाश। यस, आपको मिलते हैं 2 रुपए। अब मुझे 2 रुपए दोगे तो आपकी पगार कहाँ जाएगी? वो तो आपकी पगार होती है 2 रुपए। हाँ, क्या खबर, क्या बात है, क्या बात है। आप बहुत अच्छे जो मिथिलेश का आपको याद हो, तो ऊपर से थोड़ा वो नींबू डालता है। हाँ, बीज निकाल दे, बीज खाने का बिल्कुल शौक नहीं, रण गैस कम कर दे उससे। नींबू छोड़ दिया, छोड़ दिया। और ये क्या है? थोड़ी और काली मिर्च। मैंने एक बार ओरिगैनो डाला था। हाँ, ओके करा था, मैं दूसरों के साथ इसमें कर सकते हैं। चलो, हमारे दोनों कबाब आ गए। अब कबाब भी सेकने, ये पक गए। थोड़ा अंडा पकने देते दूसरी साइड से। हाँ, अंडा जब पक रहा होगा, हाँ, तो आप ऐसे करते रहिए, वरना साइड पकेगा नहीं ठीक से। चलो,
भी आ गया। अब क्या करना है? अच्छा, ये वाली रेड जो साइड हमने बिल्कुल नहीं, सॉरी जो साइड हमने कम सीखी थी, हाँ उसको रख लेते हैं। ठीक है, अलग फिर पलटा में चिपके ना, और तेल को डाल दो। एक्चुअली हाँ, मिथिलेश डालते भी तो करता ही रहता है वो, उसमें मेन चीज की वही होती है जितना वो बटर डालता है, ऑमलेट और बादशाह भी डालते हैं, उसमें खास यही होता है। आपको ऑमलेट नीचे से पक रहा था तो मैं चीज ले आती हूँ। चीज यार, चीज चीज ले आती हूँ जिसे चीज। क्या बात है, क्या बात है, कितनी खुशी है लड़की के चेहरे पे, खुशी देखो आप। पहला मैंने तो आपके ऊपर मेक इट बेटर और थोड़ी मिल्टर भी होगी। हाँ ये भी सही है, गलती से भूल जाओ तो गलती के दाने तरीके। थोड़ी मेल्ट हो गई है, हो गई है, गर्म हो गई है वो चीज़। ठीक है, और ब्रेड भी आप देख सकते हो करारी हो गई बिल्कुल, सुन सकते हो करारी हो चुकी है, पक चुकी है। चलो अब फिर से पलटे, बस बन चुका है, थोड़ा ऐसे पलट देते हैं जिससे थोड़ा आपका चीज़ भी थोड़ी बेटर हो जाएगी। हम तो मास्टर शेफ और होता है ड्रेसिंग था। ओहो हो, वेरी गुड, ऑमलेट रेडी हो गया। अब मिथिलेश, अगर आपने वीडियो को देखा होगा, मिथिलेश इसे और ऐसे फोल्ड करके काट देते हैं। हां, फोल्ड लेकर फोल्ड हो जाता है इसको, पर हमें जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही काट देते हैं क्योंकि रेशा पर में दोनों खाएंगे। बाप भी तो बचाओ, पर चीज देखो कैसे मेल्ट हो रही है, अगर आपको दिख रही है। ओहो भाई, चलो एटलीस्ट ये हो गया, चीज लेट डालना कुछ नुकसान नहीं होगा, बड़ा चीज मेल्ट हो गई बढ़िया सी चीज। खुद से प्यार हो गया। हाँ हाँ, अपनी तारीफ तो हर कोई करता है अपने खाने की, इतनी मेहनत करी है। आप देखो आगे, अंडा परफेक्टली पका है, चीज है, चीज साइड है, और ब्रेड आप देखो करारी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो गया काम। सो आप ये खुद जाकर ट्राई करिए, खुद जाकर ट्राई करिए, घर पे ट्राई करिए, हमें बताइए आपको कैसा लगा है। एंड प्लीज हमें याद, दुआ में थोड़ा याद करना, हम आपके 100 110 रुपए बचा रहे हैं, ट्रैवलिंग इतना बचा रहे हैं जो साउथ दिल्ली से जेल रोड जाना पड़ता है वो खाने के लिए। लाइक करिए इसको, शेयर करिए हमें, प्लीज पिक्चर्स भेजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज वॉन्डर्स ऑफ दिल्ली, हम देखना चाहेंगे कौन हमारी रेसिपी ट्राई कर रहा है, उन्हें कैसी लग रही है। और आपको अगर कोई रेसिपी चाहिए हो तो हमें बताइए, क्योंकि इसके बाद आपके पास जो रेसिपी आ रही है वो है जो हम जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत लोग पसंद करते हैं, सबकी फेवरेट है मैगी, दैट इज अ चीज मैगी, वो इसके बाद आएगी, बट उसके लिए इस वीडियो को पॉपुलर लाइक कर दो प्लीज, लाइक इसको बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, कुछ भी डाल दो, कमेंट डाल दो, कुछ भी डाल दो, बढ़ाओ इसको, ठीक है। और जो इसने मारा था ना, अब इसको मैं बताऊंगा, ये आपको दिखा नहीं सकते, ये दिखा नहीं सकते प्लीज, बच्चे घर पे ये घर पे ना ट्राई करें इस टाइम रिश्तों की